सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। भगवद गीता अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें, सारे वेद उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें, तो उसका सार ही भगवद गीता है। इस सब में जो सार है वो है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता। इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मोक्ष संन्यास योग के रूप में। मैं शैलेंद्र भारती भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशै निषूदनम्। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। सन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग हैं। कैसे अलग हैं यही अर्जुन जानना चाहता है। युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण ये श्रृंखला शुरू हुई थी। अर्जुन की दुविधा थी और कृष्ण के हल थे। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी हैं। अर्जुन सन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग करके जानना चाहता है। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासम् सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों को छोड़ने को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, धन कमाना आदि के त्याग को ही सन्यास समझते हैं। कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग मानते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में दो मान्यता होती है दोस्तों, एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही सन्यास है और दूसरी मान्यता कहती है कि अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई बड़े बड़े विद्वान ऐसा मानते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है। मतलब कोई भी कैसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक है। ऐसी हालत में तो फिर सन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप से तो
परमात्मा का रास्ता खुलता है। इन्हीं को त्याग देंगे तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्यागने लायक नहीं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। त्याग और सन्यास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए अर्जुन अपनी शंका दूर करने के लिए दोनों में भेद बताने को कहता है। कृष्ण अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत के बारे में बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी तीन भेद होते हैं। इन तीन प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है, तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने नहीं चाहिए, बल्कि ये तो करने के योग्य आवश्यक कर्तव्य हैं। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं, और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है? अलग विद्वानों के अलग मतों में से कृष्ण सही बात को बताते हुए कहते हैं, यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन कृष्ण साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनके फलों और आसक्ति का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। जब त्याग करने की बात आई तो कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर कृष्ण का विशेष बल रहा है दोस्तों, वो ही हम सब के लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणों नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है, इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो। श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं, जो निर्धारित हैं, जैसे कि यज्ञ, ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं। जो कर्म निषिद्ध हैं या काम्य कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए।
जब किसी मोह के चलते हुए हम अपने नियत कर्मों का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है। इस दुनिया की किसी आसक्ति में फंसकर अगर आप अपने कर्तव्य को, कर्म को छोड़ देते हैं तो वो तामस त्याग माना जाएगा। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भजात्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। अपने कर्म करना, कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता, इससे हमारे शरीर को कष्ट भी होता है। जब कर्म करेंगे तो कोई ना कोई परेशानी तो होगी ही। अब अगर ऐसा मान लेंगे कि जो कोई कर्म है वो सब दुख रूप ही है, और ऐसा समझकर यदि शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देंगे तो ये राजस त्याग माना जाएगा। ऐसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। वैसे जब भी कोई त्याग किया जाता है तो उसका फल परम शांति होती है। कभी कुछ त्याग करके देखिएगा, आप स्वयं ही समझ जाएंगे दोस्तों। लेकिन शारीरिक परेशानी के चलते अगर आपने अपने कर्मों का त्याग किया तो उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस त्याग है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही निर्धारित कर्म या नियत कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है। कर्म को कर्तव्य समझ करने के भाव से उसके आसक्ति और फल का त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। सात्विक त्याग में एक खास बात है, और इसीलिए ये तामसिक और राजसिक कर्मों से बिल्कुल अलग है। इसमें कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग है। यही वो त्याग है जिससे कर्म करने वाले की शुद्धि होती है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान उसमें लिप्त नहीं होता, उसके फल से बंधता नहीं, उसकी आसक्ति में फंसता नहीं, तो इससे उसका अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए सात्विक त्याग श्रेष्ठ है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। दोस्तों, जो कर्म शास्त्र ने ओके कर दिए हैं उन्हें नियत कर्म कहते हैं, या फिर कुशल कर्म। लेकिन जो कर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं वो कर्म कल्याणकारी नहीं होते, उससे कल्याण यानी कि किसी का भला नहीं होता। ऐसे कर्मों को अकुशल कर्म कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है दोस्तों, क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा, लेकिन साथ में ही अकुशल से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना। यही बात कृष्ण कह रहे हैं। नहि देह भृता शक्यं त्यक् तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। जो भी शरीरधारी हैं
यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है बस वो ही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। जो सकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा बुरा या फिर मिला हुआ, ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है। लेकिन पूर्ण सन्यासी सबसे बड़ा त्यागी है, वो ही हो सकता है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म के फेरे से बच गया है, उसी को परम धाम मिलेगा और इसी को ही शुद्ध सन्यास कहते हैं। गेरुए वस्त्र पहनकर अगर दुनिया की वस्तुओं में लगाव है ना दोस्तों, तो वो सन्यास नहीं माना जाता और ना ही त्याग माना जाता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं। इसी उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए पांच उपाय बता रहे हैं, और ये पांच उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वही कृष्ण बता रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। पांच उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा द्वेष सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी के साधन, जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और पांचवा है दैव। ये पांच वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं। शरीर वांग मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः
न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। अधिष्ठान यानि शरीर, कर्ता यानि मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और पांचवा है देव। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं पांच कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्रानुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं पांच कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन पांच कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है दोस्तों, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं, और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। सारे कर्म पांच कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या ज्ञान ज्यादा है वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है, तो वो गलत समझते हैं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते। जो बार बार जन्म लेता है, अपने कर्मों में फंसा रहता है और हर बार इस दुनिया में आके और भी ज्यादा अज्ञानी हो जाता है, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता, इसीलिए वो आत्मा को कर्ता समझता है। जो करता है भगवान करता है, ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। ये ठीक नहीं। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए पांच कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् नहन्ति न निबध्यते। ये सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं ये गलत है। आप कर्ता नहीं हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं आता वो ही ज्ञानी होता है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बंधती, वो पुरुष ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं, उसी को दोहराते हुए वो समझा रहे हैं कि कर्म करना है लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी। फल में आसक्ति ही वो बंधन है जिससे सबको छूटना है, और तभी कर्मों की सिद्धि संभव होगी। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनां करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह हैं।
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छणु तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेद्धि सात्विकम्। जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं उनमें ज्ञान, कर्म और कर्ता इन गुणों के तीन तीन प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान, वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये ज्ञान की सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर्ड अवस्था है। सात्विक ज्ञान से गुणों का अंत हो जाता है। कौन से गुण? वो गुण जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं। यही वो ज्ञान जिससे मनुष्य सब में, चाहे वो जीव हो या अजीव, हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वेद्धि राजसम्। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। ये अच्छा मनुष्य है और वो बुरा। जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे राजस ज्ञान कहा जाता है। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्त महैतुकम् अतत्वार्थ वदल्पञ्च तत्ताम समुदारहितम्। जिस ज्ञान से पुरुष ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, वो सबसे बुरा ज्ञान है। जो ये समझता है कि ये आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान सबसे बुरा और तामस यानी कि तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है, चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का आभास नहीं कराता, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, तामस है वो। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्वार्थ से भी परे होता है, जिसमें ना युक्ति होती है और ना ही कोई तत्व। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमुच्यते। अब कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो,
वह सात्विक कहा जाता है। कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में यानी कि कर्ता में अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्रानुसार कर्म ही सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदारितं। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और ये कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है। कर्म तो ये पुरुष भी वो ही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया, लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया। करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है, फल की इच्छा है, इसीलिए ये कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा, चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षच पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। बिना सोचे समझे जो कर्म किया जाता है उसका क्या, जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में ये नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है। सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है वो कर्म तामसिक माना जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्चते। कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला, सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना, न खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डींगे हाके और बिना खुश और दुखी हुए। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिहि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वो राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ, वो सब कुछ लालच में आके करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती,
जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और ना ही बाहर से, जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है वो राजसिक कहलाता है। जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है, तो या तो खुशी होती है या दुख, और ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब कृष्ण समझा रहे हैं तामसिक कर्ता को। जैसा कि नाम से समझ में आता है, तामसिक कर्ता यानी कि नाश करने वाला। जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है, मतलब कि ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षा की कमी है, जो घमंडी और धूर्त है, वो ही तामसिक कर्ता माना जाता है। तामसिक कर्ता दूसरों की जीविका यानी लाइवलीहुड का नाश करने वाला होता है दोस्तों। ऐसा कर्ता शोक करने वाला, एक नंबर का आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसे कहते हैं जो आज की बात को कल पे टालता है और बस टालता ही जाता है। खुद को देखिए, अपने लोगों को और दोस्तों को देखिए और सोचिए कि आप कौन से कर्ता हैं। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके तीन प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। बुद्धि तो आप जानते ही हैं, जिससे कि आप लोग सोचते हैं, समझ को ग्रहण करते हैं, और धृति यानी कि धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा, या फिर जब विचार आ गया तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। यया धर्ममं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती वो बुद्धि राजसी कहलाती है। शास्त्र जिसके लिए हां कहते हैं वो धर्म होता है और जिसके लिए मना करते हैं वो अधर्म होता है।
बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है, और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती, संदेह में रहती है, वो राजसी होती है। इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि आपको ये बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही है या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे वो अधर्म है, बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है, और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। धृत्या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते, इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक यानी कि वर्ल्डली विषय को धारण नहीं करती, वह अव्याभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। यया तु धर्म कामार्थान् धत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल होता है, वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बंधना चाहता है। राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। कितने ही लोग होते हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं दोस्तों, दुष्ट, विलन, अलग अलग नामों से बुलाते हैं उनको। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को
तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब समझिए दोस्तों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसिक है। नींद, शक, चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है, जो इनके अधीन है, वो भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा। सुखम त्विदानिम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजं। दोस्तों, इन दो श्लोक में कृष्ण सुख को डिफाइन कर रहे हैं, उसके प्रकार बता रहे हैं। जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था? नहीं। लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाके उस पढ़ाई का मोल समझ में आता है। उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता, विष लगता है, पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह। लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है, जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। विषयेन्द्रिय संयोग्याद् दत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं। जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत, और जो दुखों का अंत करे वो सात्विक होता है, और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो, यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान है कि पहले पहले तो ये अमृत के जैसे लगते हैं, बड़ा आनंद आता है जब आप धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फिर उस धन और नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है, जब अर्जित किए हुए बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख के परिणाम को विष के तुल्य कहा गया है, इसीलिए ये सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारितं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है, और शुरू में ही नहीं अंत तक वो इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं, और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे पुरुष इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है, और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में
अमृत लगता है और उसी को तामसिक कहते हैं। न तदस्ते पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वो इसलिए जो कृष्ण ने कहा वो हमने कभी समझा ही नहीं और बस अपनी बनाई हुई रूढ़ियों में फंस के रह गए। अब जरा ध्यान से सुनिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। आपका जो स्वभाव है उससे आपका कर्म होगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसी आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता। दोस्तों, आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के चार विभाग बांटे गए हैं। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान देके सुनिएगा। अंतःकरण का निग्रह करना यानी कि मन को सब ओर से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण हैं। ब्राह्मण के हर काम में सरलता और सादगी होती है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। अब जानिए कि क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है शूरवीरता। जो शूरवीर नहीं है, जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं, उसे आप कैसे क्षत्रिय मानेंगे? शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए,
अगर संयम नहीं होगा तो आप युद्ध में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। क्षत्रिय को चतुर भी होना पड़ेगा। युद्ध में सिर्फ लड़ाई नहीं होती, कूटनीति का, रणनीति का भी प्रयोग होता है। क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना। इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं। खेती, गौपालन अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। कृष्ण कहते हैं क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी बिजनेस, जी हां दोस्तों, सच्चा बिजनेस, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना अर्थात लेन देन में बेईमानी तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना सत्य व्यवहार नहीं होता। बिजनेस में यह सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है वो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहां पर सीख ये है दोस्तों कि सबको अपने स्वकर्म करने हैं, उसी में निरंतर लगे रहना है। अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे, मन, वचन और पूरी मेहनत से करेंगे तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। कृष्ण ये बता चुके हैं कि आपके गुणों के आधार पर आपके स्वाभाविक कर्म होते हैं और अगर अपने इन कर्मों का आप पालन करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे बर्फ एक रूप है लेकिन असल में तो पानी है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया भी अलग अलग रूप में है लेकिन असल में तो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन, वाणी, शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है, अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। आप जानते हैं आप दूसरे की नकल कब करते हैं? जब आपको ईर्ष्या होती है तभी आप दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती। हर हालत में अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है, उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। स्वभाव क्या है? जो आपके गुण से पैदा हुआ है। अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है। ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है या आपको उसके जैसा नहीं करना है, सिर्फ अपना निज धर्म निज कर्म करना है, और वो भी पूरी सच्चाई से। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मां विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है वो, जो स्प्रहा रहित है वो, यानी कि जिसकी तृष्णा प्यास खत्म हो चुकी है। अगर तृष्णा होती है तो आप फल के लिए कर्म करते हैं, इसीलिए सन्यासी को तृष्णा रहित होना है। और तीसरा, जिससे सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो जो अपना अंतःकरण यानी कि अपना मन जीत चुका है, ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है, उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे दोस्तों। यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म सिद्धि,
इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक सन्यासी के लिए नैष्कर्म सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है, यही कृष्ण समझा रहे हैं। कर्म योगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया उसका क्या? उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि वो बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी जिसे एकांत पसंद है, जिसकी धारण शक्ति सात्विक है, वो सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, जिसने अपनी मन वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है, जिसने ऐसा वैराग्य या सन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार बल घमंड काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है, ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वो सांख्य योगी जो वैराग्य और सन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि पा लेता है, वो उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है। उसके ध्यान से वो कभी विचलित नहीं होता। ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। दोस्तों, सांख्य योगी की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी भक्ति को कृष्ण पराभक्ति कहते हैं, और पराभक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भक्ति जिसमें तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, यानी कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी पराभक्ति को ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। दोस्तों, कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही
कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का रास्ता आसान है क्योंकि वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेके जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्म योगी जिसका एक ही आश्रय है कृष्ण, ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। कर्म योगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्म योगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको सम बुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत करता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अथ चेत्त्व महंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने धन संपत्ति कमाई, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय हैं। कितने ही लोग शास्त्र को न मान अपने अहंकार के चलते मनमानी करते हैं, अपने अलग भगवान को भजते हैं, सिर्फ फल के लिए काम कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे लोगों का नष्ट होना तय होता है दोस्तों, उनके संकट ही उनको खत्म कर देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यते। हमारे गुण हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है, इसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे? नहीं, कभी भी नहीं। ये उसका अहंकार है जो उससे बुलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है
जो उससे युद्ध करवाएगा। स्वभावजे न कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के, वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है, यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे वो गलत होता है, मिथ्या होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे जोर्नतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है। दोस्तों कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती, उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है, और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर ब्रह्म, उसी की माया है यह दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है, जिसका नियंत्रण उसी के हाथ में है जो ब्रह्म है, परमात्मा है, और हमारे शरीर में वो आत्मा है। अपने हृदय में स्थित इसी ब्रह्म को पहचानना ही तो सारा खेल है दोस्तों। जब तक आप नहीं पहचानते इस माया का प्रपंच चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। सब भाव जैसे कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति, न डर, न घमंड, न लगाव, इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्रय में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना, पूरी श्रद्धा से और प्रेम से उस भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना, यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। दोस्तों कृष्ण सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, और क्या करता है गुरु, वो अपने शिष्य को सब कुछ सिखा उसे परीक्षा में, युद्ध में भेज देता है, उसके बाद वो शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, और साथ ही साथ शिष्य का अपना
अभ्यास, यही तो यहां कृष्ण भी कर रहे हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वो तू कर। लेकिन सबसे खास बात, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है वो अत्यंत ही गोपनीय है। इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था दोस्तों, अब अर्जुन जानते हैं और उसके साथ साथ हम भी। सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मनां भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। कृष्ण का रहस्य केवल कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन उनका अतिशय प्रिय था। अर्जुन उन्हें बेहद पसंद था, इसलिए कृष्ण उसका भला चाहते थे। उसके भले के लिए ही सबसे बड़े रहस्य को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझको ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, अर्जुन कृष्ण का अत्यंत प्रिय था, ये तो महाभारत की बात थी, लेकिन आज वो हर मनुष्य जो कृष्ण में, उनकी गीता में विश्वास रख, उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलने को तैयार है, वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को उनमें लगाना है, उनका भक्त बनना है, उन्हीं की पूजा करनी है और उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनके कहे हुए कर्मों को करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपना अहंकार, अपने होने का भाव, अपना अस्तित्व, सब कुछ भूलकर बस अपने को कृष्ण की शरण में डाल देना है। ऐसा ही कृष्ण कहते हैं, अपने धर्मों को यानी कि अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को कृष्ण को सौंप कर सिर्फ उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जाना है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। दोस्तों, जब आप कृष्ण की शरण में चले गए यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे, तो फिर आपके शोक आपके न होकर कृष्ण के हो जाते हैं। उनका यही कहना है कि वो हर शोक को दूर कर देंगे। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयते। बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती दोस्तों, ऐसा ही कुछ कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, ना उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं, उसे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी मत कहना। जो श्री कृष्ण के स्वरूप से इनकार करे, उसे क्या कृष्ण की महिमा बता के फायदा होगा? जो कृष्ण को नहीं मानता, उसे क्या गीता सुना के फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए
ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके। जिनमें समझ ना हो और जो ये सुनना ही न चाहते हों, उनसे भगवद गीता के बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कहेगा से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। दोस्तों, यहां कहेगा से ये मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कृष्ण ने अर्जुन को अपना सबसे प्रिय बताया, और वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उनका सबसे बड़ा भक्त है। सबसे बड़ा भक्त इसलिए नहीं कि अर्जुन उनकी भक्ति करता था, इसलिए कि वो कृष्ण को अपना गुरु मान उनकी हर कही बात पर चलता था। ऐसा कृष्ण हर किसी के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा वो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भी गीता की कही बात पर चलकर औरों को ज्ञान और कर्म के पथ पर बढ़ाएगा उससे अधिक कृष्ण को पूरे पृथ्वी भर में कोई भी प्रिय नहीं, और भविष्य में भी ऐसे भक्त से अधिक प्रिय कृष्ण को कोई नहीं होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः। कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्ममय गीता यानी कि हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। गीता शास्त्र के पाठ की भी कितनी बड़ी महिमा है। सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, और असल में यह सिर्फ पाठ नहीं है। गीता को पढ़ने से जो ज्ञान की तरंग हमारे मस्तिष्क को आंदोलित करती है वो हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत है। गीता का पाठ यज्ञ है और जिसका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सब कुछ संभव है। दोस्तों, श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। जो गीता का पाठ करता है इसे सुनाता है उसको तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता ही है। लेकिन जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनता है वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा, और यह इसलिए क्योंकि जो सुन रहा है वो अपने चित्त में इन उपदेशों को ग्रहण कर रहा है। जो किसी कारण गीता की कही बातों पर चलने में असमर्थ है
अगर वो इसको सुनता भी है तो भी कृष्ण को ही प्राप्त होता है। यहां पर सबसे बड़ी बात है गीता के ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना। वो कर्म करके हो, सन्यास से हो या हरि गीता सुन के हो, हर हालात में कृष्ण आपके साथ ही हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। सबसे बड़े ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान, जिसको आज तक किसी ने नहीं सुना था, ऐसे ज्ञान को बांटने के बाद कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? और इसी का उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों, हमारे भारत की परंपरा थी स्मृति, यानी कि अपनी याद से ज्ञान आगे बांटा जाता था। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि उन्हें स्मृति प्राप्त हुई, इस स्मृति से, ज्ञान से उनका मोह नष्ट हुआ। इसी मोह के चलते अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे और युद्ध करने से मना कर दिया था, लेकिन अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो युद्ध करने को तैयार हैं। दर्पण पर से धूल हट गई है, अब यथार्थ सच्चाई स्पष्ट है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवाने तद्गुह्य महं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना, जो परम गोपनीय था। अब वो संजय की वजह से हम सब जान पाए। दोस्तों, सोचिए, अगर संजय ये सब देख और सुन नहीं पाते तो क्या कभी गीता का ज्ञान हमें मिलता? संजय कृष्ण को योगेश्वर कह रहे हैं, वो भी उनका असली स्वरूप जान चुके हैं। योगेश्वर यानी कि जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की शक्ति रखता हो। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरेः
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। जो संजय सुन चुके थे, अब वो हमेशा के लिए उनके साथ था। एक तरह से उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना बड़ा रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने स्वयं सुना। इसी बात को बार बार सोचकर वो खुश हो रहे हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, जिसने अभी अभी योग का सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं कृष्ण से सुना हो, उसकी खुशी आखिर कैसे रुकेगी। संजय के चित्त में महान आश्चर्य है, यही वजह है उनके बार बार हर्षित होने की। एक बार आप भी गीता के ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी हर्ष से भर जाएंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। गीता के इस कृष्ण अर्जुन संवाद को खत्म करते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। संजय कह रहे हैं कि जहां भी कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे, वहां पर सम्मान, नीति और जीत का होना निश्चित है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जहां कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहां कृष्ण हमारे सारथी होंगे और हम अर्जुन के जैसे उनको मानने वाले होंगे, तो वहां हमारा सम्मान और हमारी विजय निश्चित है। तो दोस्तों, इस अंतिम श्लोक के साथ वो संवाद खत्म होता है जिससे बड़ा संवाद कहीं भी दुनिया में कभी नहीं हुआ। ज्ञान का ऐसा महासागर कभी भी ऐसे सिमट के नहीं आया है, और ऐसा ज्ञान जिससे बड़ा कुछ भी नहीं, जिसके बाद कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान है कि ध्यान हमारा धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता गांडीव है और ध्यान करने वाला अर्जुन है। यानी कि हम सब अर्जुन हैं। अपनी इच्छा शक्ति से गांडीव की तरह हमें अपने मन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख अपने ध्यान को अपने कर्म पर केंद्रित करना है। हमें कर्म योगी बनना है और किसी भी युद्ध से मुंह न मोड़ते हुए उसे अपना कर्तव्य मान युद्ध करते रहना है। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।